वेलकम विशाल. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच एंड आई होप यू ऑल लाइक द ट्रेलर. अरे हाँ बोलो. ट्रेलर. थैंक यू. एक्चुअली आई जस्ट वांट टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट वन पर्सन. आई थिंक विदाउट हिम ये मूवी बन नहीं सकती थी एंड दैट्स मी. सो यू हैव टू क्लैप फॉर मी ऑल्सो बिकॉज जो मैंने की है इन सब मेरे एक्टर्स के नखरे जो नहीं किए. बट आई एम रियली थैंकफुल टू करण शर्मन जरीन बेगम एंड डेजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच बिकॉज वी स्टार्टेड दिस मूवी मिड ऑफ जुलाई. हमको पहले डेट पहले मिल गई थी रिलीज की. शूटिंग की डेट्स नहीं थी पर रिलीज की डेट पहले आ गई थी. सो बस पूरी दुनिया घूम के आ गए. कहाँ करना कहाँ करना. मेरे एक्टर्स को बहुत सारे सपने दिखाए मैंने कि पहले मैं साउथ अफ्रीका करूँगा यहाँ करूँगा. बट जहाँ पे भी किया बहुत ही अच्छा हुआ है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू थ्री पीपल जेन्युइनली. आई नो इट्स नॉट अ अवार्ड फंक्शन मैं उस तरह बात कर रहा हूँ बट मिस्टर भूषण कुमार मिस्टर अजय कपूर एंड मिस्टर हनीफ भाई. बिकॉज ऑफ देम दे आर सपोर्ट ये मूवी बन नहीं सकती थी एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच विशाल. एक चीज़ मुझे बताओ आप. इतनी कमाल की स्टारकास्ट है. हेट स्टोरी 3 कहीं भी मतलब ऐसा मन मचला कि इसको लव स्टोरी बना देता हूँ मैं मतलब इंस्टेड ऑफ हेट स्टोरी. नहीं अगर आपने देखा हो तो लिखा हुआ है ओपन लव. तो खुला लव है भाई समझ गए ना. खुला लव है सब कुछ खुला है. राइट हमको पता लग गया एफबी पे ओपन रिलेशनशिप क्या होती है. अभी यहाँ पे ओपन लव हेट स्टोरी 3 एंड नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट द स्टार कास्ट ऑन दिस स्टेज विद योर काइंड परमिशन डायरेक्टर साहब. सबसे पहले वी स्टार्ट विद दिस अमेजिंग एक्टर हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री द एवर सो रैपिड लुकिंग द वन एंड ओनली शर्मन जोशी. वेलकम शर्मन. शर्मन के बाद यहां उनको बुला लेता हूं. मतलब इनके आगे बड़े बड़े एक्टर शर्मा जाते हैं एक्टिंग के आगे. अब वो जिनको देख के हम शर्मा जाते हैं और कैरेक्टर थोड़ा ढीला टाइप हो जाता है. जरीन खान के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड अब वो जिनके सामने महिलाएं तो महिलाएं लड़कों का भी कैरेक्टर ढीला हो जाता है मतलब जब वो अपनी बॉडी दिखाते हैं लुक्स दिखाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन करण सिंह ग्रोवर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो जब आती हैं तो भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है. क्या शायराना वायराना हो गया मतलब आज कमाल की स्टार कास्ट है भाई. गिव इट अप फॉर डेजी शाह लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां. कम ऑन तालियां रुकनी नहीं चाहिए. शर्मन दिस वन्स फॉर यू. हाँ हिट है ना पहले से. अच्छा टोबर हिट. अभी देखो कैसी कैसी हिट होगी. हिट स्ट्रोक होएगा तुमको. है शर्मन मुझे प्लीज बताओ आप यू नो इन द पास्ट द काइंड ऑफ मूवीज यू हैव डन वो थोड़ी अलग थी और यहां पे ये क्या है. इमेज ब्रेक कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ इस टाइप से. हाय फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. होप यू ऑल हैव लाइक द ट्रेलर दैट वी हैड हियर टू प्रेजेंट फॉर यू ऑल. ओनली द यूनिट इज शेयरिंग. इन लोग को भी बोलने दो यार. बेटा तुम लोग तो गए. बट या इट्स अ फिल्म दैट ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड really looking forward to the response to the film that you all will give us on the 4th of December. To answer your question, I've been doing the kind of work that excites me, whichever genre it belongs to. I'm not here to break the perceptions in the minds of the people, because with all due respect to the people, I'm here to do the kind of work that pleases me and makes me happy. And in the bargain, if it goes into breaking perceptions and the images that have been set for me by the audiences, I think that's just a plus. But I'm just doing the kind of work like I like to do. Superb, superb. Zareen, this one's for you. मुझे please बताइए. इससे पहले हमने हिट स्टोरी देखा है और उसमें एक अबला नारी होती है जो पड़ जाती है बाद में सब पे भारी. तो ऐसी कुछ कैरेक्टर होने वाला है इस बार आप. वेल वो तो मैं नहीं बता सकती ना. वो देखने के लिए आपको थिएटर जाने पड़ेंगे 4th दिसंबर को. अच्छा है. तो थोड़ा सा अपने चरित्र के बारे में कुछ तो बता दो. As in the movie, the अब मैं क्या बताऊँ. आई थिंक जो थोड़ा बहुत था वो आप लोग ने देख लिया और जो पूरा है वो आप थिएटर्स में आके 4 दिसंबर को देखेंगे. बस ये कहना चाहूँगी कि अब तक जो मैंने प्ले किया है ये उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड या आई एक्सपेरिमेंटेड एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू. थैंक यू करण. इससे पहले हमने देखा है यू नो एक्ट्रेसेस के ऊपर कई बार इल्जाम लगते थे भाई इतना एक्सपोज किया ये किया वो किया.
बट शर्ट नहीं निकलेगी आपकी तो फील ही नहीं आती, मतलब लड़के दीवाने हुए पड़े हैं, क्या बोलेंगे उन सबको, स्पेशली द गाइस? नहीं, सबकी शर्ट निकल रही है इस फिल्म में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल गया आप लोगों को. वन मोर टाइम, एक बार वापस से करण प्लीज सब. तो हाँ, तो ऐसा ऐसा कोई नहीं है, हमने एक्चुअली विशाल की भी शर्ट उतार दी थी ड्यूरिंग द शूट, तो सबकी शर्ट्स निकल रही है इस फिल्म में, वो बगैर आपको फोर्थ को जाके देखना पड़ेगा. पता नहीं है कुछ, एकदम ऐसे सीक्रेट रखा हुआ है. प्लीज डेजी मुझे बताइए, इससे पहले वी हैव सीन यू इन दिस हैप्पी गो लकी यू नो बबली काइंड ऑफ अवतार में, यहाँ पे थोड़ा वापस से बोल्ड हो गया, खतरनाक, क्या होगा? हाँ वही है, तो बेसिकली मूवी करने का यही मतलब था कि एक एक्टर को वर्सटाइल होना चाहिए. तो जय हो के अंदर जो था, एज यू सेड, इट वाज अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर थिंग, वेरी सिंपल गर्ल, हैप्पी गो लकी. सो इन दिस यू विल सी अ डिफरेंट शेड ऑफ डेज़ी. राइट, बहुत खतरनाक वाला शेड दिख रहा है, हो सकता है ऐसे आंख बितका के. मुझे प्लीज विशाल एक आखिरी चीज बताएं बिफोर वी ओपन द हाउस फॉर द मीडिया, मुझे बोलें ये जो जर्नी थी हेट स्टोरी 2 से 3 तक की, उसमें कितना क्या क्या सिमिलर होगा, क्या अलग होगा? सी, जर्नी जो थी फ्रॉम हिस्ट्री स्टोरी 2 to 3 वो एग्जैक्टली बॉम्बे रोड की तरह थी, कभी खड्डे, कभी स्पीड ब्रेकर, फिर कर करके रास्ता यहाँ ढूंढ के हम लोग एक्सप्रेस वे पहुँच गए. जब एक्सप्रेस वे पहुँचे वो डायरेक्ट जाके जब हॉल था वहाँ पे हुआ. सो वी स्टार्टेड द फिल्म एंड आई मीन विन वन गो वी कम्प्लीटेड द फिल्म विद इन 5 months वी कम्प्लीट द फिल्म ट्रेलर लॉन्च प्रोमोशन एंड रिलीज. So I think it was a fantastic journey. A smooth ride. 4 December ko dekhenge hum log. Interesting ride, yeah. Smooth. Yeah, so a smooth ride is not that interesting. So we had this a little bumpy ride. I mean, like a Bombay roads. Yeah. Right. Jab shooting pe aaye, tabhi express pe aa gaya. Right, bilkul. Baki sabko dhakka hai aur ye picture ka, you know, blockbuster banna pakka hai. Now it's over to the media and before that, ek bar zordar taaliyan ho jaye Hit Story 3 ki star cast ke liye, ladies and gentlemen. So difficult nahi. I think now we are also very clever. लाइक दे आर, हम उतना वैसे ही शूट करते, उतना ही बनाते जितना अलाउड है. एंड ऑफकोर्स वी ट्राई आर बेस्ट के पुश करें फ्रॉम थोड़ा एनवेलप ज़्यादा पुश करें. सो दे आर डूइंग देयर जॉब, वी आर डूइंग आर जॉब, के हम भी थोड़ा सुधरे नहीं तो वो लोग सुधर नहीं, ट्राई कर रहे बट वी ट्राई नॉट टू. बट इन टोटल कितने कट्स हैं, इन टोटल कितने कट्स हुए? सी अभी राइट नाउ इन द पोस्ट प्रोडक्शन, इज टू अर्ली टू से, बट जैसे होगा पता चल जाएगा. विशाल सर, 2 left, 2 left, या कंग्रेचुलेशन टू द टीम फॉर द ट्रेलर. मेरा सवाल आपसे है कि हिट स्टोरी 2 जब आई थी तो मेनी ऑफ द फैंस वर डिसअपॉइंटेड, थोड़ा उन्हें शायद मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी. सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर देम? आई थिंक ये टाइम वो लोग खुद मेरे घर पे आके बुके देके जाएंगे कि जो वहाँ पे नहीं था ये यहाँ पे सब है. एंड टॉकिंग अबाउट मूवी, जो सेंसर से आप इस बार का कैसा यू नो सपोर्ट या अप्रिसिएशन चाहते, मतलब क्या चाहते हैं इस बार, जिस तरीके से अभी सेंसर इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी एक्चुअली दे आर डूइंग देयर वर्क, तो उनके लिए उनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं है ना, उनको हमारे अगेंस्ट है. द ओनली थिंग वी आर डूइंग आवर वर्क एंड दे आर डूइंग देयर वर्क. सो द ओनली थिंग कभी कुछ होता है तो वी हैव टू एक्सप्लेन देम एंड आई थिंक दे आर क्वाइट सेंसिबल टू अंडरस्टैंड नाउ. हाय विशाल हियर. I just add to the question earlier. The fact is that you know it is a film which it's an adult film, and there is an audience for it. We could figure it out in this hall itself. The question to you is: has it been made with the sensibilities of the censor board currently? Because you know it's a very scissor hungry censor board today, or you have really gone out and done it for the audience the way they like it? See, I think अभी से ये नहीं अबाउट सेंसर बोर्ड, बट आई नो वन थिंग, वॉट वी मेक फिल्म इज कमर्शियल फिल्म्स. अगर हम लोग एग्जैक्टली वो सोच के चले तो आई थिंक फिल्म भी नहीं बनेगी, आई थिंक इंटरवल तक ही खत्म हो जाएगी. बट आई थिंक टुडे वॉट वी मेक फॉर कमर्शियल पीपल एंड द ओनली थिंग वी नीड टू डू फॉर द पीपल वी मेक, वी हैव टू फाइट फॉर देम एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग इट समटाइम्स. इफ कभी कुछ कटवट मिल गए तो वी फाइट फॉर देम. द ओनली रीजन इज लाइक इज द कमर्शियल फिल्म एंड वी हैव टू जो किया है वही दिखाना है. स्टोरी टू, हेट स्टोरी टू एंड दिस इज अ थर्ड वन. व्हाट इज द कॉमन थ्रेड, द कॉमन थीम इन ऑल द थ्री फिल्म्स? सी 1, 2, 3 का तो रिवेंज है, 2, 3 का तो मैं हूँ, और 3 का आई थिंक द ऑल द थ्री स्टोरी फिल्म्स आर लाइक द रिवेंज स्टोरी, दैट्स द रिवेंज. या Zareen, you're in the center. Hi. Actually, we just want to know, what was your reaction when Vishal came to you for the film? Because the role is quite bold for you. And did you ever thought that doing such kind of role?
Well, I was very skeptical in the beginning, but when I met Vishal and when he narrated me the film, and I think over a period of time he became a really good friend, and I think he has great convincing powers. And all of us have become great friends, so I don't think it was really difficult. Yeah, but in the beginning I was a little skeptical, but then in the end it was all right. Daisy, talking to you, after Jai Ho you have chosen this film. So what made you do that? And did you go to Salman and spoke to him regarding that, yeah, you have got this role? So what was his reaction? We just want to know. I had taken a back seat for not doing this movie, but actually Salman was the one who really pushed me. He was the one who convinced me with Vishal that you should do this, because the role is completely different from Jai Ho. And as I said, that an actor should be open to all kind of roles. So I really want to push. This is something that I've pushed myself further. So I have. This is not a very safe zone, but again, I wanted to try it. I wanted to do it, so I did it. Honestly, I don't think he knew for the longest that I was doing this film. So. करण, आपका जो किरदार अलोन में भी कुछ इसी तरह का था, और इस फिल्म में भी आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल के कुछ ऐसा करेंगे क्या? शायद आपने अलोन देखी नहीं है और शायद आपको ये ट्रेलर समझ नहीं आया, तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक एक्टर दो फिल्म में किस करता है तो उसका किरदार सेम नहीं हो जाता. जिस तरह कुछ ब्रीफ करें, किस तरह किरदार इसमें निभा रहे हैं आप? नहीं समझ नहीं आया मुझे, आप क्या कह रहे हैं? कुछ ब्रीफ करें, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? ब्रीफ तो मैं नहीं कर पाऊंगा किस तरह का किरदार है. इट्स काफी डिफरेंट शेड्स हैं इस रोल में, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता ऑब्वियसली. तो ये कह सकता हूँ कि इसमें काफी सारे शेड्स हैं. Is it right to say that with this film you are walking out of your comfort zone, and was there a slight tennis match in your mind before taking up this project? No, there was no confusion in my mind. When the idea of this project was discussed, I was quite sure I wanted to be a part of it. As far as it being a change in terms of what I've been doing, yes it is. I've not done erotic thriller earlier. But the idea is, I think I could have possibly done it 4 years back also, and I would have been comfortable. It was just a question of finding the right one. I found it, and I am very happy that I was a part of it. Sharman, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपकी फिल्म अगर पिछली फिल्म फ्लॉप होती है या हिट होती है, तो उससे कितना फर्क पड़ता है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर आपके चूज करने पर? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क मार्केट स्टैंडिंग में पड़ता है, नेचुरली कमर्शियल सिनेमा है. लेकिन मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूंगा उसके बाद, दैट डजंट इंपैक्ट माय डिसीजन. इवन इट्स द सेम क्वेश्चन टू ज़रीन, यू नो, लव मेकिंग सीन, डूइंग अ लव मेकिंग सीन विद फ्रंट ऑफ एंटायर यूनिट, हाउ कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल यू आर? आई थिंक आई वाज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. ऑल्सो आई थिंक ड्यू क्रेडिट शुड गो टू ज़रीन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर हियर टू एनएक्ट आवर पार्ट्स, एंड व्हिच रिक्वायर्स अ लव मेकिंग सीन. वी हैव गॉन आउट एंड डन दैट एज एनी अदर सीन दैट वन वुड अप्रोच. I am glad there is such hue and cry about love making scenes in India, because that ensures a good opening for the film. But apart from that, in my mind, it's no big deal. Sharman, Zarin, you are. Well, you know, we shot the song towards the end of the film, and by then I think we were quite comfortable with each other, and we knew each other. So, and we are actors. I mean, this is part of our job. It's mechanical. Sharman? Hi. Sharman, there was some confusion regarding who would be playing your character. Initially it was you, then Gurmeet stepped in, then Gurmeet went out, then you came in. What was it all about? I don't know the exact issue of what happened with Gurmeet, but I can tell you what happened with me. There were some date issues, and they were not working out. We were preponing the film. Eventually, the film did get pushed back, and my dates were available, and I was asked whether I would still want to be a part of it, and I was a part of it. Another thing that made news was about you going naked for a scene in the movie. Yeah, nude or what? Yeah, butt naked is what I'd said. I was speaking to a journalist, and I had mentioned that if a film of certain aesthetics comes my way and it's something that I feel requires to be done, then I can even go to the extent of going butt naked. Forget kissing scenes, that's hardly an issue. And it was made to, I mean,
the highlight was made ki bhaiya Abhishek Sharma is going butt naked, but that also suited me. At least people must have read the article effectively. Karan. Oh, you're disappointed. You didn't. No, I think Karan is disappointed. I'm not disappointed. No, just kidding. But that's what I said, and that was that. Karan. Yes, my friend. How may I help you? You sizzled with Bipasha and Alone. Your fans are eagerly waiting for another outing with Bipasha again on screen. Given the fact that you guys are good friends off screen, so can we when do we see you guys again in the movie? How is this related to H-Story 3? Please tell me. This is related to you. Just no. This whole thing is about H-Story 3, not about me. I'll give you another question, Chal. No, that is the question. This is deleted. नेक्स्ट करण, आपने अपना फिल्म करियर अभी शुरू किया है और आपने जो प्रोमो देखा है उससे लग रहा है कि आपका किरदार नेगेटिव है, तो किसी की तरह का एप्रिहेंशन था जब आपने हाँ कहा इस रोल के लिए? और फैंस के मन में आपके लिए खास इमेज है हीरो वाली, तो नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं आप शायद इसमें? जी, एज एन एक्टर जितने डिफरेंट तरीके के किरदार हम निभा पाए वो हमारे लिए चैलेंज होता है और वो ही अच्छी बात होती है. अगर एक ऑडियंस का परसेप्शन है हमारे बारे में, एक्टर्स के बारे में, और उन्हें वैसे ही रोल्स करने चाहिए और वो वैसे ही रोल्स करते रहे, तो एज एन एक्टर ग्रोथ का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. तो व्हेन दिस रोल वाज ऑफर्ड टू मी, आई वाज वेरी किक्ड अबाउट इट, क्योंकि इसमें मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं किया. एंड आई थिंक जब लोग देखेंगे तो आई होप दे आल्सो लाइक इट. बिपाशा का किस तरह का रिएक्शन था इस आपके इस कैरेक्टर को देखकर? वो आपको बिपाशा से पूछना पड़ेगा. वो जब मेरे जब आप उनसे मिलेंगे तो आप पूछिएगा. अभी हम लोग H-Story 3 की बात करते हैं और उनका रिएक्शन आप उनसे पूछिएगा. ओके, शुक्रिया. यू नो, वी हैव नेवर सीन सलमान वर्क विद यू गाइस एवर अगेन. आई थिंक ही हैज ओनली वर्क विद कैटरीना, द गर्ल्स अमंग द गर्ल्स दैट ही हैज लॉन्च्ड. सो व्हाई इज इट दैट ही हैज नॉट बीन रिपीटिंग यू गाइस इन इन दिस I think yeah, we're gonna use his thing. Please ask Salman about that. I thought he would come up with something new. Worked with Sonakshi. Yeah, really inspired by him. At least I am. So I'm gonna be using his name. Daisy, I think he will come up with something original. Your question is that why he doesn't repeat his heroines, right? Except for Katrina, I don't think he has. He's worked with Sonakshi. He's worked with Asin. There's your answer. So when will Daisy and Zareen happen? Soon, very soon. Daisy, मेरे सवाल आपसे हैं. आपने इस फिल्म के लिए सलमान से बात की और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये फिल्म करें. कंगना ने भी सलमान से बात की थी और उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो कट्टी बट्टी करे, लेकिन जब वह फिल्म फ्लॉप हो गई है तो उनकी टीम सलमान को ब्लेम कर रही है. तो अगर खुदा ना खास्ता ये फिल्म नहीं चल पाई तो क्या आप सलमान को इसके लिए ब्लेम? हम बड़े पॉजिटिव हैं हमारी फिल्म को लेकर, हमारी फिल्म चलेगी. करंट टुवर्ड्स द लेफ्ट, हियर रोमांस बोथ द ब्यूटीज इन द मूवी. तो अगर ये रोमांस बोथ द ब्यूटीज इन द मूवी, सो अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन दोनों को स्कोर करें आउट ऑफ 10, तो कैसे स्कोर करेंगे? मैं तो ये तो क्वेश्चन आप बहुत डेंजरस क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मैं कुछ को स्कोर नहीं करने वाला हूं, बट आई कैन जस्ट से दैट आई एम एक्सट्रीमली लकी. फिर भी अगर स्कोर करना हो तो आउट ऑफ 10. तो ये आप ये जूते पड़वाने वाली बात कर रहे हैं. सॉरी करण, यू लव स्टोरी और यू हेट लव स्टोरी? Which one is a love story, man? I love hate story. Okay. Yeah. Chalo. Hello. Thank you.
जो भी गाने आते हैं, जो भी आप गाते हैं, वो इतने सारे इसको व्यूज मिलते हैं और सारे म्यूजिक चैनल पे नंबर वन पे चलते हैं, क्या सीक्रेट है इसके पीछे? सीक्रेट तो कुछ नहीं है एक्चुअली, सब हार्डवर्क है एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो भी काम करें वो अच्छा करें, कम करें लेकिन यू नो क्वालिटी वर्क करें एंड यही मेन एम है मेरा जी। एंड ये एक है कि जो भी गाना बाहर आए वो हमारा बेस्ट होना चाहिए जी। सो इस माइंडसेट के साथ मैं चल रहा हूँ एंड आई होप कि इसी तरह से जो लोग प्यार दे रहे हर गाने को, यू नो आई होप द सेम लव कंटिन्यू जी। जैसा आपने कहा कि जो भी गाना आया सब बढ़िया हो, बेस्ट हो, हाल ही में जो आपका ये नया गाना आया है तुम्हें अपना बनाने जी, ये आइडिया किसका था अपना बनाने की और ये इतना अचानक से इतना हिट हो गया ये गाना, सोचा था आपने और कैसे ही आइडिया आपके दिमाग से? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस गाने के बारे में, क्योंकि ये जब गाना रिलीज़ हुआ था मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे एंड मैं सिर्फ 20 साल का हूँ एंड 91 में रिलीज़ हुआ था ये एंड आई वॉज बॉर्न 95। तो मैंने ये गाना स्टूडियो में ही सुना था, जो अमल ने मुझे सुनाया था उसका वर्जन, तो मैंने उसके पहले सुना ही नहीं था मैंने ये गाना एंड मैंने इसे ट्रीट किया कि कोई नया गाना यू नो अगर कोई बनाएगा तो उसी तरह से मैंने ट्रीट किया कि दिस इज़ द सॉन्ग एंड आफ्टर सिंग इट। मैंने मेरे पास कुछ यू नो मैंने रिविजन नहीं की कि पुराना गाना सुना फिर ये गाना रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो अमल ने जिस तरीके से मुझे कंपोजिशन सुनाया उसी तरीके से यू नो आई अडेप्टेड इट एंड आई सैंग इट इन द स्टूडियो। सिर्फ 2-3 दिन पहले मैंने सुना इसके ओरिजिनल वर्जन को एंड यू नो पता लगा कि उस वो गाना किस तरह का था एंड यू नो जो हम लोगों ने रिक्रिएट किया है वो बहुत ही अलग स्पेस का है एंड लिरिक्स भी यू नो ऑलमोस्ट 80% अलग है। तो आई एम रियली हैप्पी कि इस गाने को इतनी सक्सेस मिली है एंड पीपल आर लविंग इट। जब आपने वो जो ओरिजिनल गाना आपने सुना और ये गाना, तो क्या मतलब लगा कि यार ये तो ओरिजिनल बहुत ज़्यादा हिट था, बहुत 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 बड़ा हिट जी, तो इसको भी हिट बनाने के लिए मुझे इस तरह से गाना होगा, इस तरह की म्यूजिक रहनी चाहिए? एक्चुअली वही जब मैं गा रहा था तो मैंने वो गाना सुना ही नहीं था, तो मैंने उस अंदाज से गाया ही नहीं, मैंने अपने ही अंदाज से गाया जी। तो कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ऑलवेज बिकॉज पीपल लोगों ने तो वो गाना सुना है, बट फॉर मी आई सैंग इट एज अ न्यू सॉन्ग, कम्प्लीटली अलग गाना गाया एंड मैंने अपने स्टाइल से गाया, तो मुझे खुशी है कि जो मेरा स्टाइल है इस गाने के लिए वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वो चल रहा है, तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है इस गाने को लेकर जी। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है खासकर फैमिली से, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है आपकी जो सारे म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग भी करते हैं आप, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा था? एक्चुअली ये 2-3 पहले ही जब ये गाना रिलीज हुआ था तो पापा हर टाइम मुझे पूछ रहे थे, मेरे को सुना ना प्रॉपरली, एक बार पूरा गाना सुनना है मेरे को, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्वियसली ही इज हर्ड दैट सॉन्ग व्हेन इट वाज रिलीज्ड एंड उनके लिए एक अलग ही फीलिंग है जब वो उस रिक्रिएटेड वर्जन को मेरे आवाज़ में सुन रहे हैं एंड वो बाहर आके रिलीज हो चुका है एंड ऑलरेडी यू नो इट्स 1 मिलियन व्यूज़ हो गए उसको यूट्यूब पर, इतना हिट हो चुका है, तो उन्हें कोई और ही फीलिंग महसूस हो रही थी कि यू नो मेरे बेटी की आवाज़ है इस गाने पे, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई एंड सोशल मीडिया पे सब जगह पे सब लोग मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं एंड सपोर्ट दे रहे हैं, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स एंड अमल फॉर गिविंग मी दिस सॉन्ग जी। अनुजी से किस तरह का मतलब कुछ बातचीत हुई आपके गाने के बाद? नहीं, मैं बातचीत नहीं हुई जी जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई के साथ काम करके? हम लोगों ने इससे पहले 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे जी। वो था नैना फ्रॉम खूबसूरत और जय हो सलमान भाई की, तो दोनों जो प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ऑलवेज एक स्पेशल गाना बाहर आया है, तो जय हो से तुमको तो आना ही था, लव यू टिल द एंड जो गाना आया था वो स्पेशल था, फिर नैना जो था खूबसूरत से वो बहुत ही यू नो सरप्राइज हिट हो गया था और आज तक यू नो लोग मुझे उस गाने से पहचानते हैं कि आप मैंने नैना गाया था और एक्चुअली उस गाने में मैंने सिर्फ 4-5 लाइनें गाई थी अंतरे के, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आफ्टर नैना तुम्हें अपना बनाने का यू नो आई गॉट अ चांस टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर अमल, और ऐसे ही चलते रहे हमारी कोलैबोरेशन हर एक स्पेशल गाने पे, और एक है कि जब मैं और अमल कोलैबोरेट करें कोई भी गाने पे तो वो अलग होना चाहिए एंड बहुत स्पेशल होना चाहिए ताकि यू नो सालों तक वो लोगों को याद रहे जी। अरमान एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से टी सीरीज का जो आइडिया है कि जो उनके 90s के हिट थे या 80s के हिट थे, हाँ, उसको एक बार फिर से रिक्रिएट करके जी जो यंग सिंगर्स है उनको मौका दिया जाए ताकि भी उनको हिट होने का मौका मिल सके, हाँ,
जी, तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, खासकर जो यंग सिंगर्स। बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एक ये इंडस्ट्री खोलने का आइडिया है, क्योंकि अभी तक आप देखा जाए तो जो चुनिंदे जो भी एक दो तीन जो सिंगर्स है वो ही गा रहे थे, एंड अभी क्या हो गया है कि कितने लोग हैं एक्चुअली हमारे कंट्री में टैलेंट की कोई कमी है नहीं, लेकिन टैलेंट को राइट आउटलेट मिलने की कमी है। तो यही चेंज करने के लिए टी सीरीज रिक्रिएट कर रहे हैं गाने को, न्यू टैलेंट को दे रहे हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी तरह दूसरे लोगों को भी यू नो इंडस्ट्री में आने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही नॉवेल आइडिया है, ये पहली बार हुआ है इंडिया में भी, एंड मैं चाहता हूँ कि यू नो ज़्यादा लोग आए इंडस्ट्री में, और यू नो ऑलवेज कॉम्पिटिशन इज़ हेल्दी, एंड यू नो जितने लोग हम प्रोड्यूस करें इंडस्ट्री में, यू नेवर नो कौन स्टार बन सकता है, तो उन्हें जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए तो हमें पता नहीं लगेगा। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कर रहे भूषण जी, इस मॉड्यूल को लेके आने के लिए इंडस्ट्री में। कितना बड़ा कंपटीशन मानते हैं, खासकर जो आजकल के सिंगर्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सिंगर्स आ गए हैं जी, लगातार हर गाने में एक नए सिंगर उभरते हैं और गाने भी हिट होते हैं। हाँ, आपके लिए कितना बड़ा कंपटीशन है आगे जाना? एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी एंगल से कंपटीशन है, तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे अलग वॉइसेस हैं, लेकिन यू नो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना इम्पॉर्टेंट है, एंड जिस तरह से आप गाते हो उस तरह से सिर्फ आप ही गा सकते हो, ये आपको श्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और के स्टाइल को कॉपी कर रहे हो तो देन आई डोंट थिंक कि आप लास्ट करोगे इंडस्ट्री में। वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, एंड मेरा यही फोकस है और यही एम है कि मैं अपने खुद का जो आवाज़ है, जो मेरा ओरिजिनल आवाज़ है, वो बाहर आए, वो पॉपुलर हुए, ताकि आई हैव माई ओन यू नो स्पेस इन द इंडस्ट्री। जी, ये मान के चले कि अगले 10 साल जो आने वाला है, अगला 10 साल जी, वो अरमान मलिक के लिए लाइक उदित नारायण और कुमार सानू जो 90s में टचवुड होपफुली ऐसा हो हुआ करता था, यू नो सुपरस्टार सिंगर्स, वो अरमान मलिक का होने वाला है। मुझे तो यही ड्रीम, जिस तरह से आपकी स्टार्टिंग है, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया है, उसे देख के लगता है। मेरी ड्रीम ही ये थी कि मैं एक मशहूर सिंगर बनूँ एंड इस इंडस्ट्री में नाम कमाऊँ, ये ड्रीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मेरे लिए, एंड मेरा काम यही है कि मैं अच्छे गाने गाऊं, एंड यू नो इन गानों से लोगों तक पहुंचूं, एंड मेरा एक एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाऊं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सब सिंगर्स जो हमारे इंडियन सिंगर्स हैं वो अभी तक ग्लोबल पॉपुलैरिटी नहीं पा पाए हैं, लाइक ऑब्वियसली लोग जानते हैं, जो भी इंडियन कम्युनिटी है अब्रॉड वो इन सिंगर्स को जानते हैं, लेकिन उस लेवल पे पॉपुलैरिटी लेके जाना चाहता हूँ कि इंडिया भी रिकग्नाइज्ड हो कि ग्लोबलाइज्ड मैप पे हमारे म्यूज़िक अवेलेबल है एंड दैट वी आर एज बिग एज अदर आर्टिस्ट्स। तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सबका ब्लेसिंग्स, लव और सपोर्ट मिले। जी जी, अरमान एक डायलॉग है कि मेरे पास माँ है जी, जी आपने तो सुना ही होगा। हाँ, तो आपके पास तो माँ के साथ सलमान भी है। हाँ, तो सलमान का सपोर्ट, या जब सलमान को पता चले किसी के अंदर टैलेंट, मेरे पास भाई है, भाई भी है ना, वो तो मेरे है, पास भाई फैमिली है, नहीं मैं तो भाई सलमान भाई, भाई सलमान भाई सलमान भाई भी है, तो उनका हाथ होना सर पे कितना इम्पोर्टेंट, कितना मतलब कितना मोटिवेट मिलता है आपको जब वो किसी चीज को क्रिएट करते हैं? एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि यू नो उनका सपोर्ट मिलना बहुत कम लोगों को मिलता है उनका सपोर्ट, एंड मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे उनका सपोर्ट मिला, उनका प्यार मिला है, एंड कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक होता है कि वो अपना नाम दे रहे हैं आपको एंड टू यूज़ इट एंड गो अहेड, लेकिन एक होता है कि ही इज़ सिटिंग डाउन विथ यू एंड बोलते हैं कि ये करो, डोंट डू दिस, ये गलत है आपके लिए। तो ऐसा एडवाइस मिलना सलमान भाई से, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड यू नो एक जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो मेरे बड़े भाई जैसे ही है, जैसे मैं अमल के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं सलमान भाई के साथ भी ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ, एंड जो भी मेरे नए गाने वो उनको सुनाता हूँ, एंड तो ऐसा एक रिलेशनशिप बन गया उनके साथ, एंड मुझे लगता है कि मेरी करियर की शुरुआत जिस तरह से हुई जय हो में, और मेरे एल्बम लॉन्च पर भी वो आए थे, तो यू नो उनकी जब ब्लेसिंग्स आया था, आई थिंक दैट आई विल गो फार, बिकॉज you know he is a very loving person, caring person, and वो
सोचते हैं कि अगर टैलेंट है तो उसे उसमें हार्डवर्क डालनी चाहिए, क्योंकि लक का हो या ना हो वो तो इट्स ऑल अपॉन डेस्टिनी, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क हार्ड एंड यू मेक योर ओन नेम. एंड वो मानते हैं कि सही टैलेंट को सही आउटलेट मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए. एंड अगर आप देखा जाए तो जो भी उनके साथ है, डेजी भी हो, उनका जयहो में डेब्यू हुआ था, तो ऐसे कितने लोग हैं दैट दे वांट चांसेस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे गेट चांसेस. एंड यू नो डेजी वाज अ बैकअप डांसर बिफोर, एंड यू नो फॉर हर टू गेट अ ब्रेक विद भाई एंड जयहो वाज अ बिग थिंग. एंड वो हेट स्टोरी में भी है इस फिल्म में, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सब जो मेंटोर्ड है सलमान भाई के साथ, हम सब आगे जा रहे हैं एक साथ, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग है जी. अब प्रेशर तो होगा ही क्या यार, अब तो सारे गाने हिट हो रहे हैं, अब आगे चल के और भी इससे भी ज़्यादा हिट हो, सुपर हिट हो जी, यू नो लोगों की जुबान पे हो जी, ऐसा कुछ प्रेशर है? बहुत अच्छा करना है एक्चुअली. खुद से ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन वो रखनी नहीं चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो गाना आप करो वो दिल से करो एंड मेहनत लगा के करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत दिखाई देती है. एंड मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा गाने एक बैक टू बैक देने नहीं चाहिए, थोड़े गैप के बाद अच्छे गाने दो, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस. एंड होपफुली ऐसा ही चलते रहे फॉर मी, एंड आई कीप गिविंग गुड सॉन्ग्स एंड आप सबको अच्छे लगे जी. आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से गाने सुन सकते हैं, कोई नया एल्बम या कुछ? एक नया सिंगल आ रहा है मेरा, नॉन फिल्म सिंगल, जो अमल कंपोज कर रहा है, और ये बहुत ही स्पेशल सिंगल है, बहुत ही जल्द आने वाला है. मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत स्पेशल है, लेकिन जब आएगा आई एम श्योर कि यू ऑल विल लव इट. एंड वो एक है, देन मैं थोड़े गाने गा रहा हूँ फॉर अमल अगेन इन एक गाना है मस्ती ज़्यादे में मिंका पाजी के साथ, एक डुएट है वो. एंड कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इज वेल कमिंग आउट. घायल रिटर्न्स में भी मैंने एक गाना गाया था शंकर एहसान लोहे के लिए. okay. तो मेरे ख्याल से 2016 में आएगा. पूरी बिजी है इस समय बस वो है, फिर शोज चल रहे हैं मेरे, कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में, सिटीज में जी. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन गानों के वजह से ही जो सक्सेस मिलती है सब गानों के वजह से मिलती है, म्यूजिक के वजह से मिलती है. तो काम अच्छा करो, आई थिंक 80% ऑफ योर वर्क इज डन देयर जी. जाते जाते एक गाना, ये गाना सुना दीजिए जी. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना ये तुमसे है. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है, सर पे है कब से है. थैंक यू. एक्चुअली तुम्हें अपना बनाने का की कसम जो ओरिजिनल है उसको लिव अप करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था. जैसे ओरिजिनल आज फिर तुम पे था हेट स्टोरी 2 में, जो ऑर्को प्रणव मुखर्जी जो कंपोजर है उन्होंने बेहद ही सुपर जॉब किया था. यानी जब वो गाना मैंने सुना था रेडियो पे मुझे लगा था मैं भी कभी रिक्रिएशन करने मिले तो मैं करूँगा. एंड ऐसी डेस्टिनी घूमी और आई गॉट हेट स्टोरी 3. यानी एंड आज रिवर्स हुआ, उस टाइम पे मैंने ऑर्को को फ़ोन करके बोला था कि भाई ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपने बहुत अच्छा इसको रिक्रिएट किया. आज उनका मेरे जो फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छा बना है. एंड तुम्हें अपना बनाने जो नदीम शरण जी ने जो म्यूज़िक किया था गुलशन जी के साथ, वो एक टीम थी वो जो 15-20 सालों तक लगातार सुपर हिट दे रही थी. आज भी वो गाने आप रिक्शा वाले टैक्सी वाले क्लब्स में भी वो उसका रीमिक्स बजता लोग पागल हो जाते हैं. सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मैं जानता था कि ओरिजिनल बहुत ही बड़ा हिट है. तो उसको आज का गाना बनाने का जो एक रिक्रिएशन और रिकम्पोजिंग का जो मुझे पोजीशन दिया भूषण जी ने, तो मैंने बोला मैं ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा नहीं बना और अगर मैं खुश नहीं हूँ और आप खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे, बट ट्राई करते. और ये ट्राई करते करते मैंने एक नया अंतरा बना जो ओरिजिनल था. उसमें था मोहब्बत क्या तो है दर दा 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 दा, ऐसा था.
इसमें अलग है कि जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है उसमें थोड़ी हरकत होने दो, शायरी सुनाती हैं दो नशीली आँखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो, इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना। तो ये नया अप्रोच था, और जो हेट स्टोरी का जो फ्रेंचाइज, जो ब्रांड है, जो थ्रिल है, जो पैशनेट वीडियो बनाना है, तो उसको मैच करने के लिए एक नया अंदाज, नए लिरिक्स थे। तो इसमें जब आज मैं, जैसे आप भी कह रहे हैं और बहुत लोगों ने मुझे ट्वीट किया है, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि ओरिजिनल पे काम करते हुए भी ओरिजिनल की जो एक सिंप्लिसिटी थी वो आपने नहीं हटाई। मेरा एम वही था कि धुन मुखड़े की मैं चेंज नहीं करूं, क्योंकि वो बदल देंगे तो फिर क्लासिक क्लासिक नहीं रहता। हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ जो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है कसम अनखाई मेरे हिसाब से, एंड इवन भूषण जी फेल्ट कि आज की जो यूथ है और जो पब्लिक है वो कसम खाई और ये सब शब्दों में ज़्यादा उन कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि आज बहुत फास्ट दुनिया, लोग इतना प्यार तो करते नहीं है, शायद हम कर पाएंगे किसी से प्यार जो ऐसे गाने बना पा रहा हूँ मैं, पर लोग आजकल सब लोग उसी मोड में कि गर्लफ्रेंड ने देखेंगे कल क्या होता है, यू नो। तो वो एटीट्यूड को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे लिरिक्स आज की ऑडियंस के माइंड सेट जैसा नहीं होगा तो गाना नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ने तेरे अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना ये तुमसे है। तो ये बातें मैंने और रश्मि विराग जो राइटर है, इज़ अ वेरी बिग राइटर जिन्होंने फिल्म फेयर जीता फॉर मुस्कुराने की वजह, तो हम लोग ने ये एक रात को बैठ के क्रैक किया एंड रिस्पॉन्स इज ग्रेट। आज 2 मिलियन जा रहा है और सिर्फ कितने 3 दिन हुए, 3 दिन हुए गाने को आके। इट्स वन ऑफ माय फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉन्ग्स रहा है और आगे भी जाएगा। अमल एक चीज़ और भी जाना, जैसा आपने कहा कि भूषण जी और यू नो बहुत बड़ा गाना था, बहुत बड़ा सॉन्ग है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए, क्योंकि उससे उसके ऊपर चढ़ना, यू नो एक्सपेक्टेशन है भूषण कुमार, यू नो सॉन्ग्स, नदीम श्रवण का गाना बहुत ज़्यादा, यू नो फैमिली प्रेशर्स, तो कैसे हैंडल किया आपने इस चीज़ को? ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, अरमान के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि नीति मोहन जो सिंगर है वो एक सुपर एस्टैब्लिश्ड बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, एंड शी इज़ प्लेइंग द फीमेल वॉइस उस गाने में। ओरिजिनल में फीमेल पार्ट नहीं था गाने में, मेनली कुमार शानू जी का गाना था, सेकेंड अंतरे में या कहीं आता है मुखड़ा, पूरा पूरा कुमार सर का गाना था, जो पूरे लाइन्स थे मुखड़े की। तो अरमान को कुमार शानू सर के शूज फिल करना उसके लिए भी एक चैलेंज था, और मेरे लिए उन नदीम शरण जी का म्यूजिक के ऊपर जाना भी एक चैलेंज था। तो हम दोनों पे ये प्रेशर तो था, बट बेसिकली अगर सिंपली बैठ के एक शाम को प्यार से गाना बनाया जाए तो हर प्रेशर निकल जाता है। अच्छे से गाना बनाएंगे, अंतरे अच्छे बनेंगे, लिरिक्स बहुत ज़रूरी है मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे आप जितने गाने देखोगे मैं लिरिक्स पर बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क और रिवर्क करता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर को भी सुनाने से पहले मैं लिरिक्स राइटर की ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देता हूँ, बहुत मेहनत कराता हूँ, ये नहीं, क्योंकि मुझे शायद एक एज का जो कनेक्ट है, मैं मेरे सब सीनियर्स हैं इंडस्ट्री में जितने भी कंपोजर्स हैं, मैं 24 का हूँ, अरमान 20 ईयर्स का है, तो हम लोग के जो दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त है, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरे सिक्योरिटी है बिल्डिंग की, इन लोग सब मेरे ऑडियंस है। मैं कोई भी गाना पहले अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, कभी अपने ड्राइवर को सुनाता हूँ, तो इन लोग से एक सच्चा ओपिनियन आता है, कि उन लोग कभी ये नहीं बोले हाँ तू मेरा दोस्त है अच्छा बना लिया, अच्छा नहीं है तो मैं आगे सुनाता भी नहीं हूँ। तो जब वो ऑडियंस खुश हो जाती है ना इस गाने से, तभी मैं आगे लेके जाता हूँ। सो एक प्रेशर हमेशा से था, क्योंकि गाना बहुत लेजेंडरी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर मुझे रिसेंटली श्रवण जी से बहुत ही दाद मिली इस गाने के लिए, उन्होंने बोला भी कि ये जो रिक्रिएट किया है, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुमने ही किया है, मैं और कोई बेटर कैंडिडेट मैं नहीं चुनता। वो उन्होंने ये बात बोली कि अगर या तो मेरे बेटे होते जो करते रिक्रिएट, और उनके अलावा अगर कोई भी हमारा गाना करता तो आई एम हैप्पी कि तो ये बहुत बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है जिसने गाना बनाया है। आज अगर मैं गाना बनाऊँ और 25-30 साल बाद को इसे रिक्रिएट करे और अच्छा करे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो एक उनसे, वो इतने लेजेंडरी कंपोजर्स है, तो उनसे ये मिलना इज़ व्यूज़ कोई मायने नहीं रखते जब
गाने के ओरिजिनल मेकर ही आपको ये बात कहे जी। स्टूडियो में जब होते हैं और अरमान यू नो जी गाने गाता है और हाँ। आप बैठे रहते हो देखते हो किस तरह का मतलब चलते रहता है ऐसा भाई भाई हम लोग दोनों तो बेहद लड़ाकू भाई है यानी गाने के लिए तो वो मेरे सर पे टेबल फेंकेगा चेयर फेंकेगा बोले ये क्या धुन बनाई है तो वो लड़ाई चलती रहती है। मैंने हीरो के टाइम पे जो एक जो गाना था और जो फिल्म वर्जन अरमान का है ओरिजिनल वर्जन मैं हूँ हीरो तेरा एंड प्रमोशनल सलमान सर ने गाया तो जो इसने ओरिजिनल गाया था मैंने रिलीज़ होने के 2 महीने पहले वो ओरिजिनल वर्जन के जो अरमान की आवाज़ थी वो डिलीट कर दी थी और किसी को ये बात पसंद नहीं आई ना ही सलमान सर को। उन्होंने बोला इतना अच्छा गाया बच्चे ने तूने उसकी आवाज़ क्यों हटा दी बोला क्योंकि वो इससे बेहतर गा सकता मैं जानता हूँ जी मेरा भाई है मैं जानता हूँ मैं उससे क्या निकलवा सकता हूँ। वो ऑब्वियसली बहुत ही खुद ही एक गुणी सिंगर है टैलेंटेड है और सलीम सुलेमान अमित त्रिवेदी प्रीतम का सबके साथ काम कर चुका है कर रहा है जिंगल्स कर चुका है फिल्म गाने कर चुका है चिल्लर पार्टी में अमित त्रिवेदी के साथ उसने काम किया तो उनका स्टाइल अलग होता है सब हर एक कंपोजर की अपनी स्टाइल होती है। मेरे लिए जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ मेरे लिए वो मेरा भाई नहीं एक सिंगर है मैं ये नहीं सोचता कि भाई है जो कर लेगा सही करेगा कभी नहीं। उसको मैंने वो रो के मेरे पास आया था मेरे डैड को भी बोला मेरे से जलता है मेरा आवाज़ हटा दी ये कर दिया वो कर दिया तो मैंने उसे समझा अब जब तू गाएगा तो जो ओरिजिनल है ना उसको कोई याद नहीं रखेगा तू इससे भी अपने ही आवाज़ से आगे निकलेगा मेरे पे भरोसा कर जस्ट ट्रस्ट मी। तो वो एक रिस्पेक्ट की भी बात है कि हम लोग में 5 साल का एज डिफरेंस भी है तो वो मानता है कि बड़ा भाई है शायद सही कह रहा होगा पहले छोटा है ना तो छोटा हमेशा लगता है कि मेरी चीज़ छीन रहा तो उसको बुरा लगा था बट आप अगर आज देखो मैं हूँ हीरो तेरा उसने जो गाया एंड तुम्हें अपना बनाया जो गाया वो उसकी टैलेंट भी है बट कहीं ना कहीं मेरा एक इनपुट जब आता है कि ऐसे नहीं ऐसे गाना तो वो एक सिंगर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपका भी जुनून जो है वो उसकी ज़रूरी है क्योंकि क्या है मैं जो गाने जो भी बनाता हूँ मैं कभी ये सोच के नहीं बनाता कि मैं अरमान के लिए आज गाना बनाऊँगा या अरिजीत के लिए बनाऊँगा या आतिफ असलम या सोनू जी ये सब लोग अपने अपने जोन में सुपर्ब सिंगर्स है पर जब गाना बनता है वो धुन के बाद सिंगर चुना जाता है कौन इस धुन को निभा सकता तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जोन में चले जाओ कि नहीं मैं अपने भाई के स्टाइल का गाना बनाऊंगा जो उसे सूट होएगा तो ना वो सीखेगा कुछ नया ना मैं कुछ ऑडियंस को नया दे रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि हम अलग अलग काम करें एंड लड़ाई या डिफरेंसेस तो होती रहती है। मैं कभी कोई ट्यून बनाता हूँ मैं उसे सुनाता हूँ तो वो बोलता नहीं थोड़ा ऐसे कर दे तो घर पे ही एक म्यूजिकल फैमिली है घर में गाना रिजेक्ट हो जाता अगर अच्छा नहीं क्योंकि डैड है भाई है एक एक पड़ाव से बढ़ के फिर जाता है स्टूडियो। एज अ म्यूजिक कंपोजर किसे एडमायर करते हैं आप किसके फॉलोअर्स हैं? मैं जो वेस्टर्न म्यूजिक जो है जो हॉलीवुड बैकग्राउंड स्कोर्स और सब करते हैं हैंस ज़िमर करके एक है बहुत बड़े कंपोजर है डार्क नाइट बैटमैन का उन्होंने किया बट बॉलीवुड में आई लव प्रीतम सर मैंने उनसे काफ़ी सीखा उन्हें असिस्ट किया एंड रहमान सर ये 2 कंपोजर्स हैं जिनको मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है स्पेशली प्रीतम दास से क्योंकि मैंने जितनी भी मेरी म्यूज़िक असिस्टिंग का पीरियड था जब मैं असिस्टेंट था मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा तो मैं उनका फ़ैन हूँ कम्प्लीटली। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आफ्टर हेट स्टोरी मस्ती ज़्यादे एक फिल्म है दोनों मस्ती वाली दोनों थोड़ी टेढ़ी फिल्में मैं कर रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द ईयर बट नेक्स्ट ईयर सनम रे है एक फिल्म जो भूषण जी की वाइफ डायरेक्ट कर रहे हैं दिव्या कुशला कुमार जी धोनी के ऊपर जो बायोपिक बन रही है उस पर भी जी उसमें भी गाने चल रहे हैं अभी लॉक पूरे नहीं हुए 3-4 गाने मैंने किए हैं पूरी फिल्म होते ही मुझे फिर मैं तब बोल पाऊँगा अभी मैंने सिर्फ नीरज पांडे जी जो बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर है उनके साथ काम करने का मौका ही मिला वो एक बड़ी बात है क्योंकि मुझे डेब्यू करके 1-1.5 साल ही हुआ है और ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि धोनी जैसे सुपरस्टार के ऊपर म्यूजिक बनाना है यू नो उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनती है तो पूरी दुनिया देखेगी यार ये झारखंड वाला गाना गाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा कर रहा हूँ ऑलरेडी बना रहा हूँ जी तो वो वही बात है कि मैं अभी हम लोग बैठ के वो जो एक उस टाइम का म्यूजिक जहाँ से वो है जो झारखंड है जो उस मिट्टी का शब्द है वो सब पे लिरिक्स मनोज मुंतशिर जी लिख रहे हैं तो उन्हें ये सब चीज़ों की समझ है तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 30-40 दिन
साथ में जैम किया है तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं नीरज जी को, तो अभी वो उस मोड पे है कि गाने गए हैं, थोड़े शूट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो अभी कंफर्म होते ही मैं आपको बताऊंगा, बट यस आई एम वर्किंग टुवर्ड्स धोनी जी। और एक फिल्म है जो मेरी धोनी से पहले आएगी विच इज़ एयरलिफ्ट, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, निखिल अडवाणी सर के साथ मेरी सेकंड फिल्म है वेर ही इज़ द प्रोड्यूसर दिस टाइम, और राजा मेनन करके एक डायरेक्टर है, एयरलिफ्ट निमरत कौर और अक्षय कुमार के साथ, तो उसमें मैं और वो अंकित तिवारी है जो बहुत ही सुपरबली टैलेंटेड है, तो एक अच्छा एल्बम, अलग एल्बम होगा, जहाँ मैं पहला एल्बम है जहाँ सिर्फ हम दो साथ में, तो आई एम होपिंग हम अच्छा म्यूजिक बना के आप लोग तक लेके आए जी। कंपोजर तो आप बहुत अच्छे हैं, गाना भी गा दीजिए। मैं वो गाना गाऊंगा जो मैंने हीरो में गाया था, ओ खुदा करके। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे, दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए, ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो, हमने तो बस इश्क है किया, ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। सुपर, थैंक यू सर। So,
सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं अबाउट द मूवी एनीथिंग अबाउट द मूवी प्लीज सर द सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल द वीडियोस आर फैंटास्टिक सर सो टेल अस अबाउट द मूवीज अबाउट हेट सूरी थ्री सर प्लीज भाई ये चाह रहे मैं हेट सूरी थ्री के बारे में बताऊं आप लोग जानते हो उसके बारे में चलो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ एक एरोटिक थ्रिलर है और क्योंकि थ्रिलर है मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा इस कहानी के बारे में लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स है कॉन्स्टेंट थ्रिल्स है एवरी 15 मिनट्स इज अ ट्विस्ट एंड टर्न इन द प्लॉट एक ऐसी फिल्म है जिसे देख के आप लोगों को बहुत मजा आएगा सो हम सब देखने जाएंगे राइट गाइस ये आवाज से मजा नहीं आएगा आज कल बार 300 करोड़ हो गया विमान की 500 करोड़ साफ हो गया देख सकते हो दैट्स ग्रेट सो थैंक यू सो मच और क्या कहूँ आई एम स्पीचलेस बट यस बट इतना ही कहूँगा सर आपके लिए कि ये आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं होश उड़ जाते हैं लोगों के जरिए महफिल में कदम रखते हैं Thank you so much. Thank you, ma'am. And I would like to call Mr. Ravin Bar on the stage, please. Our country's finest painter, Mr. Ravin Bar, make some noise, guys. Come on. Guys, Mr. Ravin Bar, make some noise. Come on, guys. The Shanjay crowd. Boys and girls, make some noise! Great! And...
so much for all the love. See you on the 4th of December, the theater near you. God bless. Take care. Good night. Have a great day. Thank you so much, man. Thank you, sir. Come on, guys. Make some noise for H1G. Thank you, man. So this is to Mr. Kamit. You feel really nice, you feel loved by a lot of people, and again college crowd is something that you know, people, ye jaise growing generation hai hamari, so these are the people who's gonna take over in few years, so it's really good to be here, good to be a part of a college promotional events and all that, so I think I'm really happy and Well, yeah, अच्छी बात है. एक तो the fact that we have a good turnout here, it serves our purpose of promoting our film Hate Story 3, which is up for release on the 4th of December in front of these youngsters, which I possibly believe will be a large chunk of our audience. So we are looking forward to the event here. शर्मा, अगर बात करें आज कॉलेज में, आप कॉलेज की प्रमोशन करें, कॉलेज में जाए, तो आपको अपने स्टाइल के डेज कुछ याद आएगी, या कुछ हो सकता है कि आप स्टाइल को भी डायलॉग मार दें, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कुछ फीलिंग आ रही है? Yes, it's been a while, yeah, but styles fan following is tremendous. I'm still amazed by the kind of love that film gets. Yeah, well, देखो style का कुछ गाना वाना गा देंगे इनके लिए. Okay, college की अगर बात करें, festivals की अगर बात करें, तो आप दोनों, आपसे अगर जानते हैं college के during your college days, आप ऐसे कुछ festivals में आप अपने आप participate करते थे, कुछ आप dancing में या किसी talent को आप show करते थे, कुछ ऐसा कुछ था, कोई याद है? मेरे case में हाँ, मैंने जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में डांसिंग का वगैरह काफ़ी किया हुआ है, एंड दैट्स वाई माई बैकग्राउंड हैज़ ऑलवेज बीन, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कोरियोग्राफी एंड ऑल. तो या इट स्टार्टेड ऑफ एज एन हॉबी एंड लेटर इट बिकेम अ प्रोफेशन. सो आई थिंक मैंने सिर्फ पहले 2 साल अपने कॉलेज के क्लासरूम्स को देखा है, उसके बाद आखिर के 3 साल ग्रेजुएशन वाले, उसमें मैंने एक नॉट अ सिंगल ईयर आउट ऑफ दैट आई हैव सीन माय क्लासरूम, क्योंकि मैं इस किस्म की इवेंट्स और इस किस्म के ड्रामेटिक डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व था, तो मैं कॉन्स्टेंटली उसी में हिस्सा लेता था, और बस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ करके आगे निकल लेता. स्टूडेंट्स को क्या क्या टिप्स देने वाले हैं आप लोग, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हम अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखने जाने वाले हैं, कपल्स के साथ, तो आप लोग क्या टिप्स देने वाले हैं आज के? जल्दी से जाकर के कॉर्नर की सीट बुक कर लो तो फिर आपको और मजा आएगा. अच्छा, 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है, बॉलीवुड से क्या रिस्पॉन्स मिला है, अगर शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है. जाहिर सी बात है, जो रिस्पांस आम जनता ने ट्रेलर को और गाने को दिया है, गाने सारे के सारे, एटलीस्ट 3 सॉन्ग्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर ह्यूजली पॉपुलर, बड़े हिट्स हो गए. तो ये रिस्पांस हमारे इंडस्ट्री के कुलीग्स भी देख रहे हैं, एंड बहुत ही इनकरेजिंग फ़ोन कॉल्स, और जब भी पर्सनली मिलते हैं तो दे आर ऑल हैप्पी, बिकॉज दे ऑल नो व्हाट इट टेक्स, हाउ मच इट टेक्स टू गेट द राइट काइंड ऑफ मूवी देयर. And to get this kind of love, they know the kind of hard work that goes in. So they're all happy for us. Censorship नहीं हो चुकी है, censorship, everything has been sorted and the film is up for release on the 4th of December. Censors से हम खुश है और जनता पिक्चर से खुश रहेगी. तो कुछ कट्स वगैरह फिल्म में हुए हैं नहीं? हाँ, वो तो होते रहता है, जैसे सभी फिल्म के साथ होता है, तो उसके साथ भी हुआ है. नहीं, हम यहाँ हेट स्टोरी 4 को प्रमोट करने आए हैं, तो हम हमारी फिल्म, वील स्टिक बाय आवर फिल्म एंड फॉर द प्रमोशन. मैंने क्या कहा? आई डिड द ज़रीन ब्लंडर अगेन. ऑलरेडी 4th पार्ट बन रहा है जिसकी बात चल रही है डेजी के साथ, तो डेजी 4th के बारे में सोच रही है. छोड़ी, तो हम हेट स्टोरी 3 प्रमोट करने आए हैं, तो आई थिंक हम लोग उसी के साथ रहेंगे. डांसिंग, जैसे शर्मा ने कहा कि वो स्टाइल मूवी से कोई सॉन्ग प्ले कर, मतलब गाएंगे, तो पता नहीं, मैं डांस, वी विल मेक अ मूव एट इट. यस, वी विल डू दैट. फर्स्ट फिल्म जिसमें एकदम लवली सिंपल करके रोल प्ले किया था आपने, इसने एक्सपोजर एक्सपोजर
देखिए एज एन एक्टर आपको हमेशा खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए. तो आई एम हैप्पी कि मुझे इस तरह का एक किरदार प्ले करने मिला जो कि जय हो से कम्प्लीटली डिफरेंट था, काफ़ी चैलेंजिंग था और जिसके अंदर बहुत सारी फिजिकल प्रेपरेशन नहीं पर मेंटल प्रेपरेशन भी बहुत ज़रूरी थी. सो आई एम जस्ट पुशिंग द बार फॉर माई सेल्फ, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग न्यू स्टफ़ एंड सो फार द रिव्यूज़ हैव बीन रियली गुड. मतलब फीडबैक जो मिला है हमको इंडस्ट्री से और बाहर के लोगों से, तो वो हिसाब से आई थिंक इट्स वर्किंग. आपके साथ जरीन भी है तो इक्वल स्पेस मिला है यार. वो आपको मूवी देखनी पड़ेगी. बट देन मैं अगर आपको इसका प्रॉपर आंसर चाहिए तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी चार कैरेक्टर्स हैं मूवी में वो इक्वली इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए. आई विश मैं आपको ऐसा कुछ दे सकती थोड़ा मसाला, पर ऐसा नहीं हुआ कभी भी क्योंकि हम स्क्रीन स्पेस बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं जरीन और मैं. हमारा मतलब वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो वी हैव नॉट शॉट, नॉट इवन वन डे वी हैव शॉट टुगेदर. देखो डायरेक्टर कितने समझदार है, उन्होंने सीन्स ही नहीं रखे इकट्ठे. ओके इरोटिक थ्रिलर इस मूवी का जो जॉनर है, लेकिन आफ्टर आप जैसे कहा कि सेंसर्ड हो चुकी है मूवी, तो जो इरोटिक का जो एलिमेंट है वो मतलब रिटेन किया गया, तो मतलब ज्यादा चेंज नहीं हुआ है? एडल्ट सर्टिफिकेशन मिला है और इरोटिक एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज ऑफ कोर्स रिटेन्ड. ओके सर, एज फार एज इट गेट्स एन ए सर्टिफिकेट सो इट्स फाइन, इट्स मेड फॉर दैट. आप रोल भी जो आपने प्ले किया अभी तक काफी इनोसेंट वाला, इसमें थोड़ा सा पावर फैक्टर है तो कितना है नहीं वो वही मज़ा आ रहा है ना आपको ये सवाल, वही जाहिर सी बात है कि इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग. तो उसी इंटरेस्ट के लेवल से मैंने भी ये फिल्म की है और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी. नो कमेंट्स. चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस. हाजिर जवाबी आता हूँ, आई डोंट थिंक किसी से सीख सकते हो, इन बिल्ट होता है. तो लीजिए आपका जवाब हाजिर. ओके जिस तरह का रिस्पॉन्स फिल्म को मिल रहा है, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं प्रोमो को, गाने को, हर लिहाज से फिल्म को पसंद करा जा रहा है, ये कितना पॉजिटिव साइंस है और कितना पॉजिटिव साइन है? और उसके अलावा कहीं नर्वसनेस होती है कि अगर फिल्म उस एक्सपेक्टेशन तक ना पहुंच पाई या ऑडियंस वहां तक ना खींच पाई, डू यू फेस? ये तो जब भी फिल्म को इतनी अप्रिसिएशन मिलती है सिर्फ एक ट्रेलर की वजह से बहुत यू नो इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है. बट हाँ थोड़ी नर्वसनेस है क्योंकि हमें यू नो अगर वो सब टू एंटरटेन दैट लार्ज एन ऑडियंस, इतना भी कभी भी हम लोग जितना भी अपना प्रोडक्ट में मेहनत डालें वो थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस आई थिंक होनी बहुत ज़रूरी है कि फ्रॉम आर हार्ट वी विश दैट वी एंटरटेन एवरीवन, बट द नर्वसनेस इज ऑलवेज देयर. ओके सर, आप मानती हैं क्या इस फिल्म के प्रोमो के बाद, ट्रेलर के बाद एक नए एक अलग मकाम पे जरीन खान को देखा जा रहा है? इंडस्ट्री की बात करें या क्रिटिक की बात करें या ऑडियंस की बात करें, मकाम तो मुझे नहीं पता, बट एक अलग लाइट में एक अलग परसेप्शन से ज़रूर देखा जा रहा है, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि लोगों का एक फिक्स्ड परसेप्शन था मेरे बारे में और आई थिंक ये प्रोमो उसके बाद वो चेंज हो गया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है. कहानी तो देखिए तो पहले दोनों इंस्टॉलमेंट्स जो थे उनकी कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट थी, खाली ये चीज़ कॉमन रखी गई थी कि वो पूरा बदले का जो उन लोग ने बेस रखा हुआ है वही है मूवी के अंदर. तो हेचरी 3 में भी जो रिवेंज है वो बेसिक जिस्ट है मूवी की, पर स्टोरी डेफिनेटली डिफरेंट है बाकी दो इंस्टॉलमेंट से. इसके अंदर चार लोग हैं तो
चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी चीज़ के लिए रिवेंज ले रहे हैं और that's how it is like open love and hidden hate. किस तरह का revenge है ये, मतलब कौन किसके साथ क्या revenge रखा है? वो जानने के लिए आपको movie देखनी पड़ेगी क्योंकि movie इसी के बारे में exactly 4 December को आपको देखना पड़ेगा वो movie, वो जानने के लिए कि कौन किसके साथ revenge ले रहा है और क्यों ले रहा है. शुरू में ये खबरें थी यू डूइंग अ कैमियो इन द फिल्म, अब आप पे गाना भी बढ़ाया गया है, क्या ये आपकी तरफ से था या इट जस्ट हैपेंड कि देयर इज अ नीड ऑफ इट? एक्चुअली जब नरेशन दिया था मुझे विशाल ने तभी उन्होंने कहा था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका एक ही गाना है, बट इट वॉज नॉट डिसाइडेड कि अगर वो लोग सेकेंड सॉन्ग करने वाले थे कि नहीं, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने सेकेंड गाना भी शूट किया है. सो मुझे एक और गाना मिल गया परफॉर्म करने के लिए और क्या. मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि गाने में ही परफॉर्म करके नजर आएंगी आप या फिल्म का और बड़ा हिस्सा है आप? What I am trying to say is, हाँ. are you doing a bigger part of the film or you just there for the film for two song or two dialogues? I think I am not playing a character जिसका खाली you know रहने के लिए मतलब रखा हुआ है फिल्म के अंदर. I am not that show piece in the movie. तो जो character है वो important है और अगर important नहीं होता तो शायद poster में भी वो character को add नहीं करते. अच्छा तीनों के किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं तीनों एक एक करके, जरीन सबसे पहले आप बताएं. मैं सिया दीवान का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो आदित्य दीवान की बीवी है जो शर्मन जोशी प्ले कर रहे हैं. और मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो ये आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती अभी आपको. मेरा कैरेक्टर नेगेटिव. कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किरदार का नाम क्या है और कैसे? सौरभ सिंघानी है उसका नाम और काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत शेड्स हैं और बाकी सब आपको फिल्म देखकर पता चल जाएगा. डेजी व्हाट अबाउट यू? मेरे कैरेक्टर का नाम काया शर्मा है और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है ये, बिजनेस वूमेन, अथारो बिजनेस वूमेन और वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. अच्छा फिल्म के गाने की बात करें तो म्यूजिकली फिल्म काफ़ी हिट हो गई है तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म के लिए, क्योंकि म्यूज़िक से ही फिल्म का पता चल जाता है कि फिल्म कैसी होगी, तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म को लेकर? नहीं, आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि जिस फिल्म के गाने अच्छे हो वो फिल्म भी अच्छी हो. लकीली हमारे गाने भी अच्छे कर रहे हैं और फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि ट्रेलर को यू नो लोगों ने बहुत पसंद किया है. सो आई वुड जस्ट से कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ गाने अच्छे होने से फिल्म अच्छी होती है, बट अगर गाने हिट होते तो थोड़ा जो अटेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है मूवी की तरफ. तो वी आर हैप्पी कि ट्रेलर को जितना प्यार मिला है उतना ही प्यार उन लोग ने सॉन्ग्स को भी दिया है, उतना ही पसंद किया गया है लोगों से. सो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, इट्स जस्ट वर्किंग. बात करें फिल्म की रिजल्ट की, हिट स्टोरी 1 और हिट स्टोरी 2 सक्सेस हुई थी और इसके गाने और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो चुकी, तो क्या आप सभी अपने आप को सिक्योर मान लें कि अब फिल्म अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छा? मतलब कोई प्रेशर है? आई थिंक रिलीज होने तक यू नेवर नो कि यू नो फिल्म का फेट क्या है. अभी जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है हमारी फिल्म को उससे तो काफ़ी खुशी है और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बट वी कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस फॉर 4th of December और आई होप लोगों ने प्रोमोज और सॉन्ग्स को जितना प्यार दिया है हमारी फिल्म को भी उससे ज़्यादा प्यार दिया. जी जरीन, कहीं ना कहीं चैलेंज था आपके लिए कि इस तरह का किरदार निभाना, क्योंकि इसके पहले आपने इस तरह का किरदार निभाया? ऑफकोर्स चैलेंज तो था, दोनों तरीके से चैलेंज था, मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया है तो अपने आप को मनाना, उस माइंडसेट में लाना, यू नो टू डू बोल्ड सीन्स एंड ऑल. और फिर जब आप बोल्ड सीन्स करने का डिसीजन लेते हो तो योर बॉडी हैज़ टू लुक राइट, तो a lot of physical preparation goes in that, तो काफ़ी preparation हुई थी. बात करें हम आपके mentor की, आपके mentor भी सलमान खान रह चुके हैं, डेजी के भी mentor सलमान खान रह चुके हैं, तो ये सारा reaction और trailer और song launch के बाद उनका क्या reaction था, उन्होंने आपको क्या compliment दिया, वो जानना चाहिए. वेल मैं सलमान से बहुत इंटिमिडेटेड हूँ तो मैंने सलमान से ये 1-on-1 कॉन्वर्जेशन अभी तक नहीं की है कि उनको ट्रेलर कैसा लगा और हमारा काम कैसा लगा. बट हम उनके शो पे गए थे हमारी फिल्म प्रमोट करने के लिए और उन्होंने कहा था कि प्रोमो, सबके सामने कहा था कि हमारा प्रोमो अच्छा है, तो आई थिंक बस मैं उसी से खुश हूँ. अब बिग बॉस में ही उन्होंने कह दिया कि उन्होंने ट्रेलर देखा और उनको अच्छा लगा है, ही इज़ हैप्पी द वे वी आर गोइंग अहेड विद आवर करियर्स. एंड आई गेस उन्होंने एक चीज़ और भी
मेंशन की थी क्योंकि मैंने बिग बॉस का एपिसोड देखा नहीं था तो मुझे नहीं पता कि क्या दिखाया गया है क्या नहीं दिखाया गया, पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने मेरी जो लड़कियां हैं वो इनको सौंपी है मूवी के लिए। तो आई गेस जितने भी लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि अगर सलमान खान ने मुझे एडवाइस नहीं दी थी ये मूवी लेने के लिए तो आई गेस यू गाइस आर रॉन्ग एंड आई डोंट नो वेदर बिग बॉस में ये दिखाया गया था कि नहीं, बट ये उनके वर्ड्स थे। करियर के लिए बूस्ट ही होती है और आई थिंक ये हमारे लिए कोई अलग नहीं होगा। आई थिंक ये फिल्म अच्छी, अगर ये फिल्म ने अच्छा किया जो हम होप कर रहे करें तो ये हमारे सबके लिए अच्छा होगा बिकॉज यू नो वी आर नॉट वेरी ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री। हमने अभी शुरुआत की है, करण डेजी हम सब ने अभी शुरुआत की है तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर आवर करियर। बॉलीवुड में जब भी दो हीरोइन एक साथ आती है तो उनके मतलब सेट पर से ऊंच नीच की खबरें आती है उनके स्वभाव को लेकर या ऐसा, तो आप दोनों की सेट पर बॉन्डिंग कैसे? ये फिल्म के अंदर मेरा और जरीन का कोई भी ट्रैक साथ में नहीं है, वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो देयर इज नो सेंस ऑफ देयर इज नथिंग लाइक कैट फाइट्स हैपनिंग ऑन द सेट्स बिकॉज वी वर नेवर टुगेदर ऑन द सेट्स। करण आपको देख के लग रहा है कि आपका किरदार कुछ इसी तरह का, कम बोलना, ज्यादा सुनना लोगों को और हल्की सी स्माइल देना, यही है क्या आपका किरदार जी? और बदला लेना? और नहीं, मेरा अभी तो मुझे किसी से बदला नहीं लेना। शांत बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं वो आप यू नो इट्स मैं रूड मानता हूँ उन लोगों को जो आउट ऑफ टर्न स्पीक करते हैं, और जब दो लेडीज़ मेरे साथ बैठ के बात करें तो उस वक्त उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है जी। तो दैट इज़ व्हाई इफ वी टॉक अबाउट योर मूवी इट्स अबाउट रिवेंज, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ रिवेंज हुआ लिया है या फिर कभी ऐसा सोचा है? सोचा तो बहुत बार है रिवेंज लेने का, बट देन थैंकफुली यू नो आई बिलीव इन कर्मा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर किसी ने इफ समबडी इज़ हर्ट मी और समथिंग लाइक दैट, वो मेरे आंखों के सामने उनके साथ जो होना है गॉट टेक्स केयर ऑफ इट। ओके करण आप? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैं किसी से बदला लेना चाहूँ। देयर हैव बीन टाइम्स दैट यू नो आई हैव बीन रॉन्ग, बट मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ और मैं ये सब चीज़ें अपने दिल में नहीं रखता। एंड इज़ इट व्हाट अबाउट यू? इन माय केस आई डोंट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट एनीबॉडी, सो इफ आई एम हर्ट, अगर मुझे किसी ने कुछ किसी भी तरीके से तकलीफ पहुँचाई है तो मेरे लिए वो इंसान के मायने नहीं रखते। आई डोंट एक्नॉलेज दैट पर्सन, लाइक आई दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। ओके डन 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 डन। हम कहना चाहते हैं कि हेट स्टोरी 3 4th दिसंबर थिएटर्स में आ रही है, प्लीज गो एंड वॉच इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।